आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कंटेन्स माइक्रोविलाई। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी? ग्लोमेरुलस, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स की। अब नेफ्रॉन क्या है? हमारे किडनी के फंक्शनल यूनिट हैं और मेन दो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। कौन कौन से पार्ट होंगे? सबसे पहले आता है हमारा ग्लोमेरुलस, जिसको सराउंड करता है बोमन कैप्सूल। ओके, बोमन कैप्सूल। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होगा ग्लोमेरुलस, जो कि फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होगा? रेनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे हम डायग्राम देखें नेफ्रॉन का। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस है, कैपिलरी शेप स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। और ये जो हमारा कप शेप स्ट्रक्चर है जो उसको सराउंड करता है वो बोमन कैप्सूल होगा। ओके, ये हमारी एफरेंट एट्रियोल है जिसके थ्रू ब्लड एंटर करता है और एफरेंट एट्रियोल के थ्रू एग्जिट करता है। तो जो फर्स्ट रीजन होता है, अभी हमारी रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो गई है, रेनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसको हम PCT भी कहेंगे। तो यहाँ पे हम PCT की बात करें तो मोस्टली जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अराउंड 70-80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो यहाँ पे इस रीजन के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे जो अब्सॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन अगर नेफ्रॉन के किसी रीजन में होता है तो वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे उसका रीज़न ये है क्योंकि PCT जो है वो लाइंड होगा विद सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम और वहाँ पे प्रेजेंट होंगी हमारी माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या करते हैं? ये सिंपल हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स फॉर्म करती है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्या करेंगे ये? विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो माइक्रोविलाई हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट हो जाएगा यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। ये हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। देन उसके बाद आता है डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे गलत होंगे। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।